जोधपुर के तमाम बड़े अस्पतालों में करीब 200 रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सोमवार को 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल से महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल व उम्मेद अस्पताल के आउटडोरों में मरीजों की खासी भीड़ देखी गई। वहीं मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल से कई मरीज महात्मा गांधी अस्पताल के गेट से ही निकल रहे हैं। कई मरीजों के बिना इलाज से ही घर लौटना पड़ रहा है। इस दौरान सुबह से ही तीनों बड़े अस्पतालों में हड़ताल के कारण मरीजों की खासी भीड़ देखी गई है, जबकि अस्पताल के कक्ष में डॉक्टर नदारद रहे। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अजमेर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ बिना जांच के ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर उसे परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है। वहीं इस हड़ताल को लेकर सीनियर डॉक्टरों ने कमान संभाली है। कई अस्पतालों से सीनियर डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। हड़ताल को देखते हुए हमने सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को, सीनियर जो भी चिकित्सक हमारे अस्पताल में, उनको पाबंद कर दिया गया कि ड्यूटी आवर्स में 9 बजे अस्पताल में 3 बजे तक ओपीडी में रहें। अपनी टीम इस तरह से डिवाइड करेंगे, कुछ लोग वार्ड भी देख लें। ऐसे ही हमने इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे वहाँ वरिष्ठ चिकित्सक ड्यूटी कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाओं में, इन फ्लोर सेवाओं में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर्स लगाए गए हैं? और नहीं, अभी बाहर से किसी भी चिकित्सक को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हड़ताल का ये दूसरा दिन ही है। हमने प्रधानाचार्य से बात कर रखी है, अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो पावटा या किसी दूसरे सेटेलाइट ऑफिस अस्पताल है वहाँ से हम सीनियर चिकित्सकों को जो यहाँ अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। अभी जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक मरीजों को रूटीन इलाज सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है।